प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दही वाली भिंडी की सब्जी बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। सामग्री में हमने भिंडी ले लिया है और भिंडी को अच्छी तरीके धुल लिए हैं। अब इसे हम काट लेते हैं। तो भिंडी के दोनों किनारों के हिस्सा इस तरीके हम काटेंगे और बड़े पीस में काट लेते हैं, ये देखिए। और भिंडी हम मुलायम भिंडी काटेंगे और इस तरीके हम तिरछा आकार में काटेंगे। तो सभी भिंडी इस तरीके हम काट कर तैयार कर लेते हैं। तो जितना हमें जरूरत थी उतना हमने बड़े पीस में भिंडी को काट कर तैयार कर लिया है। तो आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सामग्री में हमने ये भिंडी ले लिया है, दही ले लिए हैं, दो टमाटर को हमने पीस कर प्यूरी बना लिया है, दो मीडियम साइज प्याज बारीक काट लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए हैं, पूरा नहीं डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे, एक चौथाई चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। तो सबसे पहले हम मसाले बना लेते हैं। ये हमने एक बाउल ले लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल तीखी मिर्च डालेंगे, अगर ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं, एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे बढ़िया टेस्ट आएगा और सब्जी का कलर बढ़िया आएगा। अब हम दही डाल देते हैं दो चम्मच, ये ज्यादा खट्टी नहीं होती है। ये हम दो चम्मच दही डाल दिए, अच्छी तरीके मिला लेते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे, अब इसे अच्छी तरीके मिला लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो आइए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है। एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। कटी हुई भिंडी डाल देते हैं। भिंडी को अच्छी तरीके मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को अच्छी तरीके हमने फ्राई कर लिया है, ये देखिए कलर काफी चेंज हो गया है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम वही कढ़ाई में दो छोटे चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, एक चौथाई चम्मच मेथी की दानी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे। जीरा और मेथी के दाने को चटकने देते हैं। मेथी के दाने जीरा बढ़िया से चटक चुके हैं। कटी हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम रोस्ट कर लेते हैं। प्याज को हमें इतना रोस्ट करना है कि जब तक इसमें का कलर सुनहरा कलर ना हो जाए। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, सुनहरा कलर हो गया है। अब हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं ताकि इसमें का कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम मसाले डाल देते हैं जो हमने दही में मिक्स किया था। अब हम मसालों को अच्छी तरीके भून लेते हैं, फ्लेम मीडियम रखेंगे। मसाले हमें इतना भूनना है कि जब तक मसालों में से तेल ना निकलने लगे। ये देखिए मसाला काफी तेल छोड़ने लगा है, तो इसे हम इसी तरीके चलाते रहेंगे। ये देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है, थोड़ा और भून लेते हैं। मसाला अच्छी तरीके भून के तैयार हो गया है। अब हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छी तरीके मिला देते हैं। अब हम एक चौथाई चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे,
हथेलियों से क्रश करके डालेंगे। इससे भिंडी की सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। अब हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। 2 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। मसाला अच्छी तरीके पक के तैयार हो गया है। अब हम फ्राई की हुई भिंडी डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरीके मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरीके हमने मिला दिया है। अब हम 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। फ्लेम मीडियम रखेंगे। 3 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया दही वाली भिंडी की सब्जी बनके तैयार हुई है। तो आज की दही वाली भिंडी की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। ये हमने थाली में चावल रख लिए हैं, प्याज रख लिए हैं सलाद के रूप में, रोटी रख लेते हैं। और ये भिंडी की सब्जी रख लिए हैं, ये देखिए। अरहर की दाल भी रख लेते हैं। अगर आप अरहर की दाल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, अरहर की दाल की भी वीडियो हमने बनाई है। दूसरे बर्तन में हमने चावल रख लिया है और चावल के ऊपर भिंडी की सब्जी रख लेते हैं। इसे हमारी बेटी खाएगी। हमारी बेटी भिंडी की सब्जी और चावल बहुत पसंद करती है, तो अभी खाएगी और आप लोगों को बताएगी कैसे बना है। यह सब्जी जितना दिखने में अच्छी दिख रही है उससे कई गुना खाने में टेस्टी बनी है और साथ में हेल्दी भी है। तो इस तरीके एक बार दही वाली भिंडी की सब्जी जरूर से जरूर बनाइए और खाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बनी है। आप इस सब्जी को पूरी, पराठा, चावल, रोटी के साथ खाइए। जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाइए। बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं इस सब्जी को। तो आज की रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। अब हमारे दोनों बच्चे खाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बना है। दोस्तों बहुत अच्छा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अच्छी सब्जी है, आप भी आइए घर पे। बहुत अच्छा है, मुझे भिंडी चावल अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।